फ्रेंड्स, मेरा कल का वीडियो क्लास 12th जनरल इंग्लिश का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इस पर था। इसकी समरी मैंने समझाई थी, इसका मीनिंग आपको समझाया था। आज के वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पर बात करूंगा, क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेजेस डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस, हमारे आसपास निकट रहने वाले लोग हमें क्या संदेश देते हैं। तो इसका आंसर है, दोज हु आर आवर नियरेस्ट ऑलवेज वांट अस टू लिसन टू देम, जो हमारे पास में रहते हैं वो सदैव ये चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुनें। इनफैक्ट देयर मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, उनका संदेश होता है कि वो जैसे भी हैं स्वीकार करो और उनकी बात को सुनो। दिस मैसेज शुड रीच अस नो मैटर व्हाट वर्ड्स वी हियर, यह संदेश हम तक पहुंचना चाहिए चाहे हम कुछ और कैसा भी सुने। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, Who are the people far from us? हमसे दूर लोग कौन हैं? आंसर है, होपलेस forgotten अनहैप्पी एंड oppressed पीपल आर फार फ्रॉम अस। अर्थ हुआ इसका, निराश उपेक्षित दुखी और शोषित लोग हमसे दूर हैं। थर्ड क्वेश्चन है, whom does the poet wish to trust, कवि किस पर विश्वास करने के लिए कहता है। इसका आंसर है, द पॉइट विशेज अस टू ट्रस्ट द इनर वॉइस ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज है ना, एज इट ऑलवेज वॉन्स अस अगेंस्ट ए सिनफुल डीड, कवि हमें अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करने के लिए कहता है क्योंकि यह हमें सदैव गलत कार्य से पूर्व चेतावनी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, कभी ईश्वर की आवाज़ को कब सुनने के लिए कहता है। द पोएट विशेज टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड इन सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी पीस एंड अनहैप्पीनेस, इसका अर्थ है कभी ईश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तब कहता है जबकि हम अनिश्चितता में होते हैं, निश्चितता में होते हैं, शांति में होते हैं और अशांति में होते हैं। ऐसी सिचुएशन में कभी ईश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट, कवि आवाज़ों को किस क्रम में सुनने के लिए कहता है, क्या आप उस क्रम में कोई महत्वपूर्ण बात देखते हैं। आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट विशेज अस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ आवर नियरेस्ट, सर्वप्रथम कवि हमें अपने निकटतम लोगों की बात सुनने के लिए कहता है। देन ही आस्क अस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ दोज हु आर ऑप्रेस्ड एंड आर सफरिंग, तत्पश्चात वह हमें शोषित व पद दलित लोगों की बात सुनने के लिए कहता है। आफ्टर दैट ही विशेज टू लिसन टू द वॉइस ऑफ कंसाइंस, उसके बाद वह अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए कहता है, और इन द एंड ही विशेज टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, और अंत में ईश्वर की आवाज़ सुनने के लिए कहता है। देयर इज ए सिग्निफिकेंस इन दिस ऑर्डर, इस क्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइल वी शुड लिसन टू द वर्ल्डली वॉइसेज इन द बिगनिंग, वी शुड लिसन टू अवर कंसाइंस एंड टू द वॉइस ऑफ गॉड लेटर ऑन, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभ में हमें भौतिक आवाज़ों को सुनना चाहिए, मैटेरियलिस्टिक बातों को सुनना चाहिए, और बाद में हमें अपनी अंतरात्मा व ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस द फॉरगॉटन द एंग्विस्ट वांट टू टेल अस, हमारे अनुसार निराश उपेक्षित शोषित लोग क्या कहना चाहते हैं। वी सपोज दैट द होपलेस द फॉरगॉटन द एंग्विस्ट,
want to tell us about their woes and griefs. Woes and griefs मतलब दुख दर्द. They want to share their sorrows. Sorrows का मतलब है तकलीफ. They want to tell us how this world has ill-treated them. इसका complete अर्थ है, हमारे अनुसार निराश्रित, निराश, उपेक्षित, शोषित लोग हमसे अपना दुख दर्द कहना चाहते हैं. वे हमसे अपनी तकलीफ बांटना चाहते हैं. वे हमसे यह बताना चाहते हैं कि इस दुनिया ने उनसे किस प्रकार गलत तरीके से व्यवहार किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल. अपनी अंतरात्मा को की आवाज़ को सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है. लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस कुड बी हेल्पफुल एज इट वार्न्स अस अगेंस्ट ए सिनफुल डीड. इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना इसलिए सहायक हो सकता है क्योंकि यह हमें गलत कार्य करने से रोकती है. यह हमें यह भी बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है. इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, आपकी कंसाइंस आपको कहीं ना कहीं अलर्ट करती है किसी भी काम को करने से पहले, तो उसको भी एक बार हमें ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कहना चाहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम. व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम, इसका अर्थ है कविता का मूल भाव क्या है. द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट वी शुड डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग विच इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस. कविता का मूल भाव है कि हमें सुनने की कला का विकास करना चाहिए जो समर्पण व अभ्यास के द्वारा ही संभव है. द पोयम टेल्स अस टू बी ए गुड लिसनर्स. कविता हमें अच्छा श्रोता बनने की शिक्षा प्रदान करती है. तो फ्रेंड्स, इस लेसन में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं. तो मैंने, मेरी स्पीड ज़्यादा थी, आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लें और अच्छे से याद करें. और हाँ, स्पेलिंग्स ज़रूर याद करें क्योंकि आप क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में सही लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर सही देते हैं, लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपको पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं. तो स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान रखें. तो ये जो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं, मेरा जो अगला वीडियो है वो एक्सरसाइजेस पर आएगा. लेसन वन वन के एक्सरसाइजेस होंगी, वो मैं करवाऊंगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स जो भी एमपी बोर्ड 12th क्लास में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं. और जब एक अच्छे संख्या मेरे पास हो जाएगी सब्सक्राइबर्स की, तो मैं आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊंगा. तो तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें. थैंक यू सो मच.